हेलो एवरीवन, नमस्कार। पूनम स्टाइल कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक नई रेसिपी, मोदक। एक कटोरी पोहा से हम पूरे परिवार के लिए मोदक बना सकते हैं और स्टोर करके इसको हम रख सकते हैं। ये 10 से 15 दिन आराम से चलेगा। ये हमने एक कटोरी पोहा लिया है। ये चिवड़ा है जो आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसको हम अच्छे से एकदम रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हाथ से ऐसे क्रश करने पे टूट रहा है, तो पोहा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसको रोस्ट होने पे स्लो आंच में 2 से 3 मिनट लगते हैं। हमने थोड़ा घी, 1 चम्मच घी डाल दिया है पैन में। उसमें हमने थोड़ा काजू लिया है, 10-15 काजू है। उसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके ड्राई फ्रूट डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तब हम इसी पैन में, हमने एक छोटी कटोरी हमने मगज का लिया है, खरबूजे का बीज, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे बचे हुए घी में। इसको भी हम निकाल लेंगे अलग, इसको हम अलग बर्तन में निकालेंगे। हमें जो थोड़ा बहुत तेल बचा है उसमें हम 8-10-15 पिस्ता है वो हमने लिया है। अब बादाम है तो बादाम भी ले सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसी पैन में हमने थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है। गुड़ में हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाल के अच्छा से इसका सिरप, बस हमें एक सिरप तैयार करना है, कोई चाशनी जैसा नहीं बनाना है। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। देखिए, इसका सिरप जब तक तैयार होता है, स्लो आंच पे पकता है, तब तक हम पोहे को मिक्सी जार में डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। इसी साथ हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किया उसको भी हम भून लेंगे। हमने देखिए भून पीस लिया है अच्छे से। इसमें हम खरबूजे के बीज को भी डाल देंगे, हमने किशमिश को अलग से हम डाल देंगे। इसमें हमने जो सिरप गुड़ का तैयार किया था वो हम छान के डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर डाला है। देखिए, इतना अच्छा हो गया है, बन गया है। तभी अच्छे से मोदक बन जाएगा। तो हमने मोदक का साचा लिया है, उसमें थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे। उस ऊपर से हमने थोड़ा खरबूजे का बीज डाल दिया है साचे में। अब हम हाथ से ऐसा दबा के, ऐसा करके तो हम मोदक के मोल्ड में हम डालेंगे। उसे अच्छे से अंगूठे से प्रेस करके दबा के ही हम डालेंगे, नहीं तो मोदक अच्छा नहीं बनेगा। देखिए, इस तरह से प्रेस करके हम दबा देंगे अच्छे से। अब इसे आराम से खुल जाएगा। देखिए, हमारा मोदक एक बन के तैयार हो गया है। इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे मोदक को बना लेंगे कि अच्छे से दबा के इसमें डाल के अच्छे से दबाएंगे। देखिए, हमने दूसरा भी मोदक बना लिया है। हमारा मोदक बनके तैयार हो गया है। इसको आप स्टोर करके चाहे तो आप इसको 10 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अगर फ्रिज में रखेंगे तो 15 से 20 दिन आराम से चलेगा, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा, ऐसे ही ये रहेगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।